is high. हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप लोग। तो गैस फिर से मैं एक नई लोकेशन पे हूँ। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली में और मेरे पास में है, देख सकते हो, बोट का एयरडोप्स 441 प्रो। तो ये जो है ये बोट की तरफ से आने वाले TWS हेडसेट हैं, ट्रूली वायरलेस स्टीरियो हेडसेट हैं और 2500 के आसपास में आपको सेल में मिल जाएगा। अगर सेल नहीं है तो 3000 के आसपास में आपको अमेजोन से मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसको मैंने सेल में लिया है 2500 रुपये में। इसके बारे में जानेंगे ये कैसे होते हैं और कलर देख सकते हो ये ग्रीन कलर का है, तो अनबॉक्स करेंगे इसको, जानेंगे कैसा होता है, अपना ओपिनियन दूंगा, आपको लेना चाहिए यानी वैल्यू फॉर मनी है यानी, ये सब जानेंगे इस वाली वीडियो में। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट और इसमें आपको IPX7 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। बैटरी, इसके केस बैटरी की बात करें तो 2600 mAh की बैटरी है जिसको आप एज ए पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। टाइप सी केबल भी आपको अंदर मिलेगा, वो हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे। तो चलो इसको करेंगे अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो, कुछ इस तरह से हमको इसका बॉक्स मिलता है जिसमें सामने एयरडोप्स 441 प्रो लिखा है, ट्विन वायरलेस ईयरबड्स लिखा है, कीप यू गोइंग, और इसे हम इग्नोर करेंगे। बाकी ये देख सकते हो बना हुआ है हमारा बोट एयरडोप प्रो। बाकी चलो इसको करते हैं अनबॉक्स। हमारे पास फाइनली एक अनबॉक्सिंग नाइफ है, तो भैया करते हैं अनबॉक्स। आज आउटडोर वीडियो बना रहे हैं, बताइएगा गाइस कमेंट करके कि कैसी है वीडियो और कैसी है क्वालिटी। और चलो जी, ओके। तो गाइस ये देखो, ये है हमारा इसका चार्जिंग केस हमारे बोट एयरडोप्स 441 प्रो का। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। और अंदर कुछ पेपर वर्क वगैरह होंगे, उनको भी देख लेंगे हम। तो इसको निकाला जाए और ये देखो वारंटी कार्ड हमारा, अंदर पेपर वर्क है। तो चलो यार ये देख सकते हो कुछ पेपर वर्क वगैरह हैं और केबल भी होनी चाहिए आई गेस। ये जो बॉक्स है इसमें केबल होनी चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। ऑल राइट, तो गाइस देख सकते हो केबल जो हमें मिलती है वो टाइप सी केबल मिलती है, ठीक ठाक सी क्वालिटी है केबल की भी, और टाइप सी आपको चार्जिंग मिलती है तो बहुत सही चीज़ है यार। आजकल के सारे फ़ोन टाइप सी ही आ रहे हैं, तो आपको अपना चार्ज करने में कोई अलग से वो लेके नहीं घूमना होगा चार्जर इसके लिए। तो ये देखो गाइस अंदर इस तरह से प्लेस है। तो यार चलो इसको कराते हैं अपने फ़ोन से पेयर और देखते हैं कैसे आता है ये पेयरिंग मोड वगैरह में। अभी तो ये इसकी लाइट जल रही है, अभी देख सकते हो उसकी लाइट जल रही है कुछ ग्रीन एंड ब्लू में, यहाँ पे दिखा रहा है हमारा चार्जिंग इंडिकेटर वगैरह, शायद आपको दिख रहा होगा। और करा लेते हैं पहले पेयर, उसके बाद देखेंगे इसका डिज़ाइन वगैरह। ये देख सकते हो बोट्स एयरडोप्स 441P लिख के आ गया है, तो प्रॉबली क्या यही हमारा है। तो बड़ी आसानी से कनेक्ट हो गया है हमारा अपने फ़ोन से। और उसके बाद डिज़ाइन देखा जाए तो यहाँ पे देखो भैया, इसको खोलें तो ये देखो यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जिससे ये चार्ज होगा हमारा केस, और यहाँ पे एक USB टाइप ए पोर्ट मिलता है जिससे आप अपने इसको केस को पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो इमरजेंसी टाइम में। 2600 mAh की बैटरी है तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, इस पर ट्रस्ट नहीं करना कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा, तो हाँ फिर भी एक आपका काम चला देगा आपको आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और इसको निकाला जाए तो ये देखो गाइस कुछ इस तरह से है इसके बड्स पहला एंड ये दूसरा। चलो अब इसको ट्राई करेंगे अपने ईयर्स में लगा के और देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। लेफ्ट एंड राइट देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है इसका चार्ज करने के लिए, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे जब भी आप केस में रखोगे। तो चलो केस को कर लेते हैं बंद और इसको लगाते हैं अपने ईयर्स में और ट्राई करते हैं इसकी क्वालिटी। ये डिसकनेक्ट हो गए एक निकालते ही। और अभी मैं आपको बेसिकली बताऊं तो ये स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी बेटर है यार, ग्रिप बहुत सही है, कान से आसानी के गिर जाएंगे आपके। और नॉइज़ कैंसिलेशन भी अच्छा ही है, ठीक ठाक सा है, मतलब बहुत एकदम इतना नहीं कि हाँ बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी, हाँ ठीक ठाक सा है, एकदम इन ईयर है तो अच्छे से कानों में फिट हो जाते हैं। और कान का साइज़ थोड़ा सा मैटर करके, मेरे कान में थोड़े से बाहर की तरफ निकले, मेरा कान छोटा है तो उस हिसाब से आपके कान अगर बड़े हैं तो बहुत ही अच्छे से ये फिट हो जाएंगे आपके ईयर्स में। और अभी बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो यार साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको एक काफ़ी अच्छा सा बेस मिल जाता है इसमें और काफ़ी अच्छी क्वालिटी साउंड भी आपको रहती है। तो गाइस ड्राइवर की बात करें तो उसमें आपको 6 mm का ड्राइवर मिल जाता है और
साउंड क्वालिटी की मैं आपको बताऊं तो यार साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी, मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मुझे लगी, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे होंगे। और अगर आप कंपेयर करोगे किसी बहुत ही हाई एंड वाले TWS हेडसेट जैसे कि एयरपॉड्स या सोनी के जो भी आते हैं, गैलेक्सी बर्ड्स वगैरह आते हैं, तो यार उनसे नहीं कंपेयर करो। प्राइस के हिसाब से देखो तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है इस हिसाब में, मेरे लिए काफ़ी ओके रहेगी इसकी साउंड क्वालिटी अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से। तो बाकी आपका ओपिनियन क्या रहेगा, अगर आपके पास ये है या इसे आप बाय करके अब टेस्ट कर रहे हो तो आप बताना कि आपको कैसे लगी इसकी साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी में मैं इसे मार्क करूँगा 8 out of 10। और बाकी माइक्रोफोन इसका काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा नॉइज़ कैच करता है अगर आप आउटडोर में हो, क्योंकि यार थोड़े ईयर के पास ही इसके माइक्रोफोन है तो नॉइज़ कैच कर सकता है। गाइस मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब इसके माइक से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो भी माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो भी आप चेक कर सकते हो। और आप बताना मुझे कि कैसी है इसकी क्वालिटी, क्योंकि मैं भी अभी चेक करूंगा, अभी तो रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूंगा एंड में कि कैसी लगी मुझे इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी। और बाकी ठीक है यार, ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा, अगर आप सेल में खरीदते हो 2500 में मिल जाएगा, वैसे अमेज़ॉन से आप खरीदोगे तो आपको 3000 के आसपास में मिल जाएगा। और इसके कॉन्स की बात करूँ तो बस थोड़ा सा ये मुझे बड़ा लगा, और बाकी सारी चीज़ें मुझे सही लगी। एक छोटे ईयर्स में थोड़ा फिट नहीं आएगा शायद, जैसे मेरी ईयर देख सकते हो तो हल्का सा ये निकला हुआ है बाहर। तो आई गेस अगर ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए बिल्कुल आप जा सकते हो। अगर स्पोर्ट्स आपका एक है कि हाँ स्पोर्ट्स के लिए आपको लेना है तो हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो। इनके लिए प्राइस की बात करूँ तो 2500 रुपये में मुझे लगा वैल्यू फॉर मनी। तो आपको कैसा लगा ये हेडसेट ज़रूर बताना है यार नीचे कमेंट करके, और बाकी वीडियो को शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप बाय कर रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाय करना, इससे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।